हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इम्पीरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग फिर से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके सामने बोर्ड पर दिया गया है, और ये सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर वन से। हमारा क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है। हमारा ऑप्शन है नेपोमीटर से, बैरोमीटर से, रेन गेज से या मोनोमीटर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर से। ठीक है, नेपोमीटर से जो है वो आकाश में जो बादल हैं उसकी गति और दिशा को नेपोमीटर से मापा जाता है, और वो जो रेन गेज है ये किसी स्थान पर होने वाली वर्षा की मात्रा को रेन गेज से मापा जाता है, और मोनोमीटर से किसी गैस के दबाव को मोनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैली है। पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैली है। हमारा ऑप्शन नंबर ए कहता है 29%, ऑप्शन बी कहता है 50%, ऑप्शन सी कहता है 71% या ऑप्शन डी कहता है 78%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 71%। पृथ्वी पर 71% भाग पर जो है वो जल फैला हुआ है, और पृथ्वी पर जितनी मात्रा में जल पाया जाता है उसका 97% जो है वो सागर और महासागरों में पाया जाता है जल, जो कि अधिक लवणता होता है जिसमें, इसलिए उसको हम पी नहीं सकते, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो पीने योग्य नहीं होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती है। ऋतु परिवर्तन पूछ रहा है कि किस कारण से होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए कहता है परिभ्रमण के कारण, ऑप्शन बी कहता है परिक्रमण के कारण, ऑप्शन सी कह रहा है अक्षीय झुकाव के कारण, और ऑप्शन डी कहता है कक्षीय झुकाव के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिक्रमण के कारण। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको परिक्रमण कहते हैं, और इसी के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, और जो परिभ्रमण है इसी को घूर्णन भी कहते हैं। और घूर्णन के कारण हम सभी जानते हैं कि दिन और रात होता है, और परिभ्रमण क्या है कि पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमती है, एक चक्कर लगाती है, उसको परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिक्रमण, क्योंकि परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कि उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा पूछ रहा है कि क्या कहलाती है। हमारा ऑप्शन ए कहता है एपसाइड रेखा, ऑप्शन बी कहता है आइस रेखा, ऑप्शन सी कहता है साइन रेखा, और ऑप्शन डी कहता है कंटूर रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपसाइड रेखा। ठीक है, जो एपसाइड रेखा है वो उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। उपसौरिक क्या है कि जब ग्रह सूर्य से एकदम नजदीक होता है तो उसको उपसौरिक कहते हैं, और ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसको अपसौरिक कहते हैं, और उपसौरिक अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा एपसाइड रेखा कहलाती है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ पर होता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए कहता है कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी कहता है मकर रेखा पर, ऑप्शन सी कहता है आर्कटिक रेखा पर, या ऑप्शन डी कहता है विषुवत रेखा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। अब देखते हैं कैसे, जैसे ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, और ये जो बीचों बीच रेखा जाती है इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, और इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, और इसके नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ जो रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कर्क रेखा बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे, और इसके साउथ में जो 23.5 डिग्री रेखा है साउथ में, इसको मकर रेखा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो जो ये सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर सूर्यास्त ज़्यादा होता है, और ये सूर्य का जो प्रकाश है वो कर्क रेखा से आगे नहीं जाता है, और ये मकर रेखा से नीचे नहीं आता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसलिए जैसे ही हम लोग विषुवत रेखा से ऊपर या नीचे बढ़ते हैं उसका सूर्य का तापमान जो है वो घटता जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है पूछता है। ऑप्शन ए कहता है 1/80, ऑप्शन बी कहता है 1/90, ऑप्शन सी कह रहा है 1/81, या ऑप्शन डी कहता है 1/88। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/80।
1/80 पृथ्वी का चंद्रमा का द्रव्यमान है पृथ्वी की अपेक्षा, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कहता है भूकंप को, ऑप्शन बी कहता है ज्वालामुखी को, ऑप्शन सी कहता है अपरदन को और ऑप्शन डी कहता है निक्षेपण को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी को, क्योंकि हम सभी जानते हैं पृथ्वी के अंदर बहुत तापमान और दाब है और ज्वालामुखी के द्वारा ही वो तापमान बाहर निकल पाता है और पृथ्वी शांत हो पाती है, इसीलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं ज्वालामुखी को, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है, समुद्री जल की औसत लवणता पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है 25%, ऑप्शन बी कहता है 30%, ऑप्शन सी कहता है 35% और ऑप्शन डी कहता है 40%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35%। समुद्री जल की जो औसत लवणता है वो 35% होती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि सर्वाधिक लवणता किसकी है, यहाँ पे कुछ सागर और झील दिया है, इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक लवणता किसकी है, सबसे ज्यादा लवणता किसकी है, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है मृत सागर की, ऑप्शन बी कहता है वान झील की, ऑप्शन सी कहता है छिलका झील का या ऑप्शन डी कहता है सांभर झील का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वान झील का, ठीक है। जो मृत सागर है वो इसराइल और जॉर्डन के बीच है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो चिल्का झील है ये हम सभी जानते हैं कि कहाँ है, उड़ीसा में, और जो सांभर झील है ये कहाँ है, राजस्थान में, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि जो डिडवाना झील है, डिडवाना झील ये कहाँ पर है, ये जो डिडवाना झील है ये कहाँ है, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10th कहता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, पृथ्वी का औसत घनत्व पूछ रहा है कि कितना है। ऑप्शन ए कहता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का औसत घनत्व हो जाएगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th कहता है कि तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है, तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट, ये हम सभी जानते हैं कहाँ है, ये जो है ये तमिलनाडु का तट या कोरोमंडल तट है, ठीक है। इस पर पूछ रहा है कि वर्षा किसके कारण होती है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ऑप्शन बी कह रहा है दक्षिण पूर्व मानसून से, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर पूर्वी या लॉटरी मानसून से और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी या लॉटरी मानसून से, जो ये उत्तर पूर्वी मानसून है इसकी वजह से यहाँ तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 12th कि पृथ्वी पर ताप की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन है, पृथ्वी पर ताप में वृद्धि जो होती है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है CO, ऑप्शन बी कह रहा है CO2, ऑप्शन सी कह रहा है NO2 और ऑप्शन डी कह रहा है SO2। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो गैस है तापमान बढ़ाने में वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और सेकेंड नंबर पे जो है वो CO है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी पूछ रहा है कि कितनी होती है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 कहता है 110 किलोमीटर, ऑप्शन बी कहता है 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 115 किलोमीटर या ऑप्शन डी कह रहा है 116 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। जो हमारा पृथ्वी है इस पर बहुत सारी अक्षांश रेखाएं पाई जाती है, ठीक है, जो ऊपर में नॉर्थ में अगर जाते हैं तो ये 89 अक्षांश रेखाएं हैं और साउथ में अगर जाते हैं तो 89 अक्षांश रेखाएं हैं और अगर विषुवत रेखा को भी ऐड कर ले तो एक और अक्षांश रेखा हो जाएगी और टोटल को ऐड करते हैं तो 179 अक्षांश रेखाएं टोटल है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है लेकिन अक्षांश वृत्त अगर पूछे तो ये ध्रुवों वाला वृत्त भी ऐड हो जाता है और इसकी संख्या 181 हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। जो देशांतर रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं, ठीक है,
इनकी संख्या कितनी है 360, और इनके बीच की दूरी भी जो है वो लगभग 111 किलोमीटर के आसपास होता है, 111.3 समथिंग, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। ये कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है किस वजह से होता है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ऑप्शन बी कह रहा है दक्षिण पूर्व मानसून से होता है, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर पूर्वी मानसून से, या ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।